हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़ मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस का लेसन नंबर सिक्सटीन वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस चैप्टर की हमने दो वीडियोस पहले अपलोड की थी तो अगर आपने अभी वो नहीं देखी हैं तो आप देख लें और क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैप्टर को रीड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर करना ठीक है क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम अच्छा तो में का, काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ और अगर अभी आपने नहीं किया है तो कर लें क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिल सकेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन तो वर्ल्ड वाटर डे किस दिन ऑब्जर्व होता है तो वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन ट्वेंटी ऑफ मार्च ट्वेंटी ऑफ मार्च किस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर की फॉर्म में मनाया गया था? थाउजेंड थ्री ओके नेक्स्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर कितना अर्थ की सरफेस का जो पार्ट है वो पानी से कवर है तो आंसर इज सेवेंटी वन परसेंट सेवेंटी वन परसेंट लेकिन इसमें क्या है कि जो सेवेंटी वन परसेंट पानी है तो बट वो आइस आइस की फॉर्म में है या फिर सी ओशंस में सी में जो कि पोटेबल यानी कि पीने लायक नहीं है पीने लायक नहीं है मतलब पोटेबल दैट इज़ नॉट पोटेबल वो बहुत कम है लेकिन वैसे सेवेंटी वन परसेंट है जो ओशन लेक सी एंड आइस कैप्स जो ग्लेशियर्स इन सब में ट्रैप किया हुआ है अभी मतलब और अंडरग्राउंड वाटर भी है ठीक है तो हमारे यूज़ के लिए जो है वो बहुत कम है नेक्स्ट है इन विच फॉर्म्स वाटर सर्क्यूलेट थ्रू द वाटर साइकिल तो एक वाटर साइकिल चलता है अर्थ से स्काई में और फिर वापस एनवायरमेंट से होते हुए वापस अर्थ पे पानी जो है वो ऐसे सर्कुलेट होता रहता है ठीक है तो इस इस इसको कहते हैं वाटर साइकिल तो ये किस फॉर्म में होता है पानी तो ये तीनों फॉर्म्स में होता है सॉलिड में भी लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी सॉलिड में क्या जो आइस या स्नो होती है वो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड में हो गया वाटर और गैस में हो गया वाटर वेपर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज वाटर टेबल वाटर टेबल क्या है द अपर लेयर ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल तो जो हमारी अर्थ है ये ऐसे हम समझेंगे जो हमारी ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर गहराई में जब पानी होता है तो नीचे यहाँ पे बहुत पत्थर स्टोन्स वगैरह और लेयर होती हैं अलग अलग टाइप के स्टोन्स की तो उनके बीच में यहाँ पे पानी होता है ठीक है तो ये जो पानी का जो ग्राउंड लेवल इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर ये जो ग्राउंड वाटर की जो ये लेयर होती है ऊपर वाली दिस इज़ कॉल्ड वाटर टेबल और इसी को मेजर किया जाता है कि अर्थ से कितना नीचे है जो अर्थ की सरफेस है उससे कितना अंदर पानी है उसको हम मेजर करते हैं तो वाटर टेबल को ही हम मेजर करते हैं उससे हम पता लगाते हैं ठीक है तो आपा लेयर ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन इन इन इनफिल्ट्रेशन क्या चीज होती है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन जो बारिश होती है जैसे अगर रेनफॉल आ रही है तो क्या होता है कि जो पानी अर्थ के अंदर जब सोख लिया जाता है जो वाटर सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू होते होते पानी जो है अंदर चला जाता है अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में भर जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन ओके नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज एक्वीफो एक्विफो क्या है अब एक्वीफर क्या होता है द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज एक्वीफर क्या मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर होता है सपोज ये अर्थ क्रस्ट है और ये वाटर टेबल है और इसके नीचे यहाँ पे पानी है तो जो ग्राउंड वाटर होता है ये जो स्टोर किया जाता है तो हार्ड रॉक और वाटर टेबल के बीच का जितना भी एरिया जो पानी का भरा हुआ एरिया है दैट इज कॉल्ड एक्वीफर ओके Next question. वॉट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर बारिश के पानी को कैसे हारवेस्ट किया जाता है तो क्या मतलब है द यूसेज ऑफ रेन वाटर टू रीचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को इस तरीके से यूज़ करना जनरली क्या होता है कि देखो अब सारी जो है बिल्डिंग्स भी पक्की हो गई हैं और रोड्स भी पक्की बन चुकी हैं तो प, सीपिंग ऑफ वाटर जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं वो प्रोसेस बहुत कम होता जा रहा है तो जिसके बाद क्या होता है जो रेन वाटर होता है वो नालियों के थ्रू होता हुआ नालों में और वो होते हुए फिर आगे जाके ओशंस में और सीज में मिल जाता है यानी कि जो रेन वाटर है वो वेस्ट हो गया रेन वाटर बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होती है लेकिन वो तो वेस्ट हो गया वो काम ही नहीं आया इस रेन वाटर को अर्थ के अंदर इनफिल्ट्रेशन uh, प्रोसेस के बाद में अंदर चले जाना चाहिए था जिससे कि ग्राउंड वाटर वाटर लेवल बढ़ जाए और हमारे लिए आगे पानी हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं अलग अलग तरीकों से उस पानी को स्टोर किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि उस पानी को इस टाइप से अंदर ग्राउंड लेवल लेवल वाटर जो है उसको बढ़ाने के लिए अलग टेक्निक

पहले टाइम में क्या होता था कि रेन वाटर कैसे कलेक्ट किया जाता था तो पहले तो क्या होता था एक तो पॉन्स वगैरह होते थे उनमें भी रेन वाटर भर जाता था लेकिन एक था जो मैन बिल्ट uh, था दैट वाज़ बावरी इसमें लिखा है जिसको बावरी भी कहा जाता था बावरी इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर ये इधर देख रही है बावरी इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर ये एक पौंड की तरीके से होता था जिसमें कि पानी कलेक्ट कर लिया जाता था जिसको बाद में अलग अलग चीज़ों में काम में ले लिया जाता था वॉट इज ड्रिप इरीगेशन ड्रिप माने बूंद 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 करके इरिगेशन होने का क्या मतलब है कि ड्रिप इरिगेशन जब खेतों में फसलों को जो पानी देना होता है उसे इरिगेशन कहते हैं और ड्रिप इरिगेशन क्या हुई इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स विच डायरेक्टली बेस ऑफ द प्लांट्स तो इसमें क्या है देखो जैसे सपोज ये प्लांट है ऐसे करके खेतों में जैसे प्लांट लगे होते हैं तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो इसमें क्या है पूरे खेत में ऐसे पाइपलाइन जैसे बिछा दी जाती है पतली पतली पाइप होते हैं तो जब पानी एक जगह से डाला जाता है तो पाइप के थ्रू होता हुआ डायरेक्ट रूट्स के पास ही गिरता है उससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है जितना प्लांट्स को पानी चाहिए उतना उनको मिल जाता है और वेस्ट नहीं होता है अगर किसी और टेक्निक से डाला जाएगा तो किसी एरिया में ज़्यादा भर जाएगा किसी में कम हो जाएगा तो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर सो क्या हुआ वॉट इज ड्रिप इरीगेशन प्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाचरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट्स ओके तो ये इसमें इतने ही क्वेश्चंस मुझे समझ आए कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड आल्सो कमेंट अगर कुछ कमी है तो मुझे लिख के ज़रूर प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं आगे उसको इम्प्रूव कर सकूँ ठीक है ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी लर्निंग बाय बाय